इतनी भाग्य की कहानी दिन पर दिन इंटरेस्टिंग हो रही है और धीरे धीरे सभी राज खुलते नजर आएंगे। एक तरफ चल रही है पलकी की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन, जिससे पलकी खुद भी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो तो राजवीर से प्यार करती है। वहीं राजवीर भी वहाँ पर हेल्प कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि पलकी की सगाई किसी और से हो। यहाँ पर राजवीर और पलकी के बहुत सारे इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। देखा जा सकता है ये बिहाइंड द सीन्स का वीडियो, जहाँ पर राजवीर पलकी को कंसोल कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री, एक स्पार्क नजर आ रहा है जो फैंस चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक दूसरे को ये कन्फेशन कर दे और इनकी लव स्टोरी और भी अच्छे से सबको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है शौर्य की तरफ से। शौर्य पलकी से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उसकी एंगेजमेंट में से उसे किडनैप कर लेगा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि राजवीर उसे कैसे बचाएगा। ऑन द अदर हैंड, पूरी रात पारस कलनावत और सना सैयद शो की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर देखा जा सकता है किस तरह से पारस कलनावत की ई बाइक को ये दोनों यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दोनों बहुत कूल लग रहे हैं। सुबह 6 बजे पैकअप हुआ और पारस ने दिखाया कि किस तरह से वो अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं सेट से अपने घर पर, वो भी अपनी कार में पैक करके। आजकल पारस इस ई बाइक को सेट पर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं।